चलिए और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर भी रुख कर लेंगे, जो आपको बताते चलें कि एससी एसटी आरक्षण मामले में लगातार अब विरोध बढ़ता जाएगा। जहां सब कैटेगराइजेशन के खिलाफ आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, कैटेगराइजेशन को लेकर एससी के फैसले का विरोध किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में बसपा जयास ने भी इस पर समर्थन दिया। आदिवासी संगठन ने बंद का समर्थन किया। भारत बंद को लेकर गृह विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। दरअसल कानून व्यवस्था कायम रखने को लेकर निर्देश भी जारी किए गए, तो आज भारत बंद का मध्य प्रदेश में असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जहां बसपा और जयस ने अब इस भारत बंद का समर्थन किया है, आदिवासी संगठन ने भी बंद का समर्थन किया। भारत बंद को लेकर गृह विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि कानून व्यवस्था कायम रखने को लेकर निर्देश जारी किए गए। आपको बता दें कि आज 21 अगस्त को भारत पूरा बंद रहेगा। सब कैटेगराइजेशन के खिलाफ आज भारत बंद किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शबाना लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। शबाना, आज एससी एसटी आरक्षण के सब कैटेगराइजेशन के खिलाफ भारत बंद रखा जाएगा, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल राजधानी से सामने आ रही हैं? देखिए, भारत में आज जो है बंद का आह्वान किया गया है। एससी और एससी एसटी श्रेणी में क्रीम लेयर को आरक्षण देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कई दलित संगठन, इसके अलावा कई राजनीतिक पार्टियां जो है इस बंद का समर्थन कर रही हैं। भारत बंद को लेकर जो है आह्वान किया गया है, तो आज ये नजारा देखने को मिलेगा कि जो है किस तरीके का जो है भारत बंद का असर यहाँ पर देखने को मिलता है कि नहीं, क्योंकि कई लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सहमति जता रहे हैं, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति का इसमें साफ तौर पर कहना है कि जो दलित है, जो पिछड़े हैं, जो वंचित शोषित लोग हैं, उनको जो है मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल जा पाती, उनको समाज में प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए उनको आरक्षण देना सही है। इस पूरे बसपा और समेत कई अन्य पार्टियां जो है पूरे मध्य प्रदेश में भी बंद का समर्थन कर रही है, लेकिन इसका देखने को मिलेगा कि इसका असर पूरे मध्य प्रदेश में कैसा देखने को मिलता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद इसका विरोध जो है वो तेज हो चुका था, लेकिन विरोध की अगर मैं बात करूं तो कई लोग इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश में बसपा सपा और जयस के समर्थन के बाद जो बंद का आह्वान किया गया था उसका कितना असर पूरे प्रदेश में देखने को मिलता है। बिल्कुल, यानी कि अब आज भारत बंद को लेकर देखने वाली बात रहेगी कि मध्य प्रदेश में इसका कितना असर देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए, बने रहिएगा और भी आगे अपडेट्स लेंगे।